हम बात कर रहे हैं इफ फॉर्मूला के बारे में. इफ फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, किस तरह रिकॉर्डिंग से इन करना होगा, प्रोग्रेस. इन सब चीजों पे हम आपके साथ बातचीत करेंगे. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक डेटा है और इसमें मैं जानना चाहता हूं कि 50 to 80 वाले जितने भी है उनको 800 की इंसेंटिव देना है. अब अगर सिर्फ होता है कि ग्रेटर देन 50 वाले को 800 देना है, तो सिंपली हम यहाँ पे इफ का कॉमा लगाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ग्रेटर देन 50 और यहीं पे 800 हम दे देते हैं. बट यहाँ पे दो है कि 50 to 80 के बीच में होना चाहिए, 50 to 80 के बीच में होना चाहिए. तो क्या करें इसके लिए? लगाएंगे, वो सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर हम देन इसमें इफ के इक्वल साथ, टू. हाँ इफ के साथ यहाँ पे हम एंड भी देंगे, इफ के साथ एंड देंगे. तो एंड यहाँ लगाते हैं अच्छा इक्वल एंड फॉर्मूला. तो एंड फॉर्मूला, जब आपके पास मोर देन ए वन कंडीशन हो तो हम एंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं. एक से अच्छा ज्यादा कंडीशन हो तो हम एंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं. एंड फॉर्मूले में हमने बोला कि अच्छा अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर कॉमा इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 80 हो, ठीक है. अच्छा तो अगर दोनों रिजल्ट ओके होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. लेकिन मुझे यहाँ पे 800 और 0 चाहिए, तो इस फॉर्मूले को हम डाल देंगे इफ के अंदर कि इफ अगर ए 800 और यहाँ पे कॉमा 0, ठीक है. एंटर प्रेस किया और नीचे की तरफ कर दिए ड्रैग, रिजल्ट आ गया. जी तो जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो और कंडीशंस रिक्वायर्ड हो तो हम यूज करते हैं एंड फॉर्मूला. ओके जी हाँ, इफ के साथ एंड. इफ तो ट्रू फॉल्स को करता है, कंडीशन चेक करके ट्रू फॉल्स आपका एंड देता है. लेकिन मेरे पास दो कंडीशन है लेकिन दोनों रिक्वायर नहीं है, ऑप्शनल है. जैसे कि मुझे सैटरडे संडे हो तो आना चाहिए ओपन, अदरवाइज सैटरडे संडे हो तो ऑफ, अदरवाइज ओपन. तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इफ तो लगाएंगे और फॉर्मूला. और हमने यहाँ लिखा हुआ सब, और क्योंकि सन इस पे एंड लगेगा नहीं. क्यों? क्योंकि ए एक ही सेल में सैटरडे या एक ही सेल में संडे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. या तो संडे होगा तो सैटरडे होगा, इक्वल टू सैटरडे. तो अगर दोनों में से कोई हुआ, सैटरडे या संडे कोई भी हुआ, कोई एक भी हुआ, तो और दे देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. अब यहां हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे इसकी ट्रू फॉल्स को, ट्रू को हम रख देंगे ऑफ में, फॉल्स को कर देंगे कन्वर्ट ओपन में, ठीक है. तो एंड और का पता चला कभी क्यों यूज होता है? हाँ सर, पता चलिए एक से ज्यादा कंडीशन होने पे एंड और का कंडीशन इस्तेमाल और करते एंड लगेगा या और लगेगा. अगर हमको न्यूमेरिकल नहीं है तो नहीं है और तो और लगेगा सर, लगेगा. मतलब अगर टैक्स है तो नहीं ऐसा भी है कुछ. नहीं ऐसा दिक्कत नहीं है. एंड तब लगता है जब कंडीशन रिक्वायर हो, कि तुमने दो कंडीशन मुझे दोनों ही चाहिए तो लगेगा एंड. कंडीशन ऑप्शनल हो कि भाई हाँ, एक या भी तो ये एक, या तो ये. हाँ तो हम और लगाएंगे. चलिए एक और और एग्जांपल देते लगाएंगे. हैं यहां पर. तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट है और मुझे इसको पास और फेल करना है. क्या करना है? पास और हाँ फेल. सर, फिर तो कैसे करें पास और फेल? तो यहां पे हम एंड फॉर्म लगाएंगे. और पास और फेल कब करना है? कि सारे के सारे सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास, अदरवाइज फेल. फेल तो हमने यहां तो पे बी इक्वल टू टू 30 कॉमा ग्रेटर देन 30 ग्रेटर देन कॉमा इक्वल टू 30 कॉमा इक्वल टू 30 ग्रेटर देन इक्वल कॉमा टू 30 कॉमा, थर्टी और इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा 30 कर दिया. तो रिजल्ट आया ट्रू फॉल्स. अब इसमें हम इफ लगाएंगे. क्या लगाएंगे? इफ. और इफ. इफ में हम यहां और देंगे वहां कि पे अगर हाँ पास नहीं तो फेल.
ठीक है। फेल। और इसी में अगर मैं बात करूं और में आता हूं, जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास इलेन आया कि इसमें किसी एक में भी वाई हुआ, तो वो क्योंकि आईडी प्रूफ जमा करना है तो कोई एक भी जमा कर देगा, कोई दो जमा कर देता है, कोई तीन जमा कर देता है क्या? हाँ तो आईडी। यहां हाँ पे, हाँ यहां पे हमें लगाया तो फॉर्मूला फिर और का, तो हाँ और का ही लगेगा कि क्योंकि कोई एक अगर भी चाहिए मतलब ना, दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एंटर प्रेस। वही। जल ट्रू आ गया। ट्रू ठीक। समझे? सर एक चीज, जैसे कि हम जब हम टैक्स कर रहे हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड नहीं कॉमा यार, में डालना फॉर्मूला के पड़ेगा। अंदर में कभी भी अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखनी, अच्छा ठीक है, ठीक क्लियर है? है। हाँ अभी तो क्लियर है सर, करके देखना। तो और कोई यहां पे हम बात करते एग्जाम्पल हैं, सर? हम यहां बात करते हैं कि मेरे पास पैन भी है और इन चारों में से कोई एक है, ठीक है, मतलब मुझे अब इसमें दो कंडीशन चाहिए कि पैन, जैसे बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने तो बैंक कहता है कि पैन तो चाहिए ही चाहिए, पैन के अलावा इन चारों में से कोई एक चाहिए, पैन तो चाहिए और पैन के अलावा इन चारों में से कोई एक चाहिए, तो यहां लगाते हैं फॉर्मूला एंड का। एंड में हम पैन को कर देते हैं इक्वल टू आई और फिर यहां वापस और लगाते हैं और फिर इनसे चारों दे देते हैं, तो एन और इस तरह से हम मिक्स अप करके लगा सकते हैं, समझ गए? हाँ और एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आपके सामने ट्रू आ गया। आ गया ट्रू सर, इफ लगा के जो करना कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, विथ एक से ज्यादा रिजल्ट हो, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि 50 to 80 होने पे 800, अदरवाइज 50 से नीचे होने पे 100 और 80 से ऊपर होने पे 200 देना चाहिए। तो सेम एग्जांपल में मैंने यहाँ एंड लगा लिया था, राइट, बट यहाँ एंड नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि एंड तब लगाया जाता है मल्टीपल कंडीशन में सिंगल रिजल्ट, बट यहाँ मल्टीपल कंडीशन विथ मल्टीपल रिजल्ट है, तो यहाँ पे हमें नेस्टेड इफ देना होगा, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक इफ एक कंडीशन, जितने कंडीशन उतने इफ। तो हमने यहाँ डाला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, और फिर वापस एक और इफ डाला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है, अगर ऐसा है तो 800, अगर नहीं है तो 200 और फिर कॉमा 200 और कॉमा 100। तो यहां ध्यान से देखिए, हर इफ के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, तो हमने पहला इफ में लॉजिक दिया और दूसरा इफ जो है पहले इफ के ट्रू पार्ट में डाल दिया। अब पहला इफ चेक करेगा, अगर 50 से ज्यादा हुआ तो दूसरे इफ को चलने देगा, नहीं तो सीधे इस 100 को शो कर देगा फॉल्स को। दूसरा इफ आया चलेगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि पहले इफ में ग्रेटर देन 50 चेक हो गया, में 50 से बड़ा है, अभी 80 से छोटा होगा तो 800 देगा, नहीं तो 200 दे देगा, ठीक है, समझे कि नहीं? एक बार फिर से। फिर से नहीं सर, एक बार फिर सिंपल सा है, ये देख लीजिए, देखिए पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन 50 है तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे ए 100 को शो कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा इफ चलेगा, ठीक अगर पहला इफ फॉरवर्ड करेगा तो दूसरा इफ चलेगा, तो ये 800 देगा नहीं तो 200 दे देगा, हाँ, नहीं तो टू समझे? हंड्रेड है। ठीक लगाने का तरीका कैसे है ये तो समझ गए, फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, हाँ लगाने का तरीका कैसे हाँ है
तो ये लगाइए यहाँ पे, पहले देंगे इफ सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ 50, इक्वल टू 8 50 है, फिर फिर कॉमा, इसको कॉमा दिया, फिर क्या कहते फिर यहाँ ऊपर पे एक और इसके इफ दिया। किया, इफ लगाएंगे और कॉम ब्रैकेट में हम देंगे कि लेस A3 देन इक्वल टू नहीं, 80, हाँ टू, हाँ तो 80 800 और अदरवाइज 200, 800 200, फिर इसको बंद कर देंगे, हाँ, और फिर वन, यहाँ पे कॉमा देके 100, हाँ, तो ठीक बंद है। कर देंगे इसको, हाँ। लेकिन जब यही हमारे और के केस में आता है, मतलब कि अगर सैटरडे होगा तो हाफ डे, संडे होगा तो ऑफ, और बाकी में ओपन करना है, तो क्या करेंगे? इफ को सेलेक्ट किया इफ कि अगर सैटरडे है, अब इन्वर्टर कर देंगे सैटरडे क्योंकि है टेक्स्ट है, तो हाँ या टेक्स्ट एफ है। डी शो कर दे, अदरवाइज इफ वापस इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू संडे है तो यहां पे शो हो हाँ ऑफ, फिर वापस देंगे ओपन, ठीक है। एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया, क्लियर है? एक बार फिर से ऐसा समझिए इसको, समझिए क्या दिक्कत इसमें है, बताइए। अगर हम एक कंडीशन देंगे कि अगर सैटरडे को हाफ डे, ठीक है, तो हमने दिया I2 आई टू इक्वल हो गया टू डे, सैटरडे, आई टू को डे मान लीजिए, I2 जो है सैटरडे हो गया हाफ डे, अगर ये सैटरडे है तो हाफ डे चला, नहीं तो दूसरा कंडीशन हम देंगे I2 में अगर संडे ऑफ है और संडे ऑफ होगा, और नहीं तो हाफ डे नहीं ऑफ नहीं है और दिन के लिए तो ओपन समझ गया? I2 में, हाँ। अच्छा इसमें हमको डबल ये कर किया है सर आपने, ब्रैकेट देखी यहाँ पे, या तो दो ही फिर जितने इफ इतने ब्रैकेट लगेंगे ना, अच्छा जितने हम क्लोज उतना ही करेंगे, हाँ जितना ब्रैकेट ओपन हुआ, जैसे ये ब्रैकेट ओपन हुआ, यहां पे ओपन हुआ, तो क्लोज भी तो दो ही होगा ना, ठीक है ठीक है, और हाँ नहीं ये ये ऐसा तो, हाँ ऐसा तो उसमें प्रोग्रामिंग में भी होता है। जी, समझ गए? अब इसकी फाइल मैं आपको सर भेजता हूं, इसकी कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि अगला टॉपिक हाँ इससे भी सर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए नहीं कल मैं करूंगी इसको सर, कल आप क्लास लेना, मैं आपको बताऊंगी, बाकी ठीक है, तो मैं मैंने फाइल किया आपको भेज है, देता हूँ, हाँ भेज चलिए कल मिले सेम टाइम, दीजिए, हाँ सर बिल्कुल, अब नागनी करना है सर, चलिए। ओके सर, थैंक यू। ओके।